प्रेमी है वैसे ही हनुमान राम प्रेमी। जैसे शिव राम कथा के प्रेमी है वैसे ही हनुमान जी भी कथा के प्रेमी। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। हम लोग मानस में पढ़ते हैं त्रेता युग का समय था और शंकर जी राम कथा सुनने के लिए कैलाश से अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। जिन्होंने रामचरित्र की रचना की उसे किसी और से सुनने की जरूरत है। प्रथम रचयिता शिव है, रच महेश निज मानस राखा। तो भाई जिसने कृति ही बनाई हो उसको कहीं दुनिया में सुनने की क्या जरूरत है। लेकिन ये शिव का राम प्रेम है, ये कथा प्रेम है। जहां कथा होती है शंकर जी सुनने अवश्य जाते हैं। आजकल बड़ा मुश्किल है, आजकल कथा घर के बिल्कुल बगल में ही हो रही हो तो लोग घर से निकलने में सोचते हैं अभी जाएंगे एक घंटे बाद प्रसाद का टाइम होगा तब, है ना। कुछ लोग कथा प्रेमी होते हैं, कुछ लोग प्रसाद प्रेमी होते हैं। तो कथा प्रेमी तो कथा से व्यास पीठ पर व्यास जी आए उससे पहले आकर बैठते हैं, और प्रसाद प्रेमी जब कथा की आरती शुरू हो तब आना शुरू करते हैं। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन। कथा प्रेम अगर देखना है तो शिव का देखो। उत्तर से चल करके दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाते हैं और राम कथा मुनि वर्ज बखानी। जिस समय कथा चल रही है तो शंकर अपने आप को भूल करके कथा में खो जाते हैं। कथा सुनना अलग बात है और कथा का रस पान करना अलग बात है, कथा को पीना अलग बात है। जैसे कहते हैं ना कथा रसामृत पान, तो वहां पान शब्द पीने के लिए। तो कथा सुननी है कि पीना है, बोले कथा को पिया जाता है सुना नहीं जाता। सुनोगे तो खतरा है, इधर से सुनकर इधर से निकाल सकते हो, पर पिया तो सीधा अंतःकरण में ही उतर गया तो सदा सदा जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको स्मरण रहेगा आपने क्या सुना था। और सदा सदा जब जब आपका जीवन कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसेगा तब तब याद आएगा कथा में हमने ये सूत्र सुना था, और वो कथा आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से निकालकर अनुकूलता में ले जाएगी। तो विशेष रूप से ध्यान देना, शिव कथा प्रेमी है और हनुमान जी कहा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो रसिक कहे गए। आज कहीं भी कथा होती है कलयुग में तो हनुमान जी आते हैं। हजारों संतों ने प्रमाण दिया है आज जहां कहीं भी कथा हो भगवत चर्चा हो तो हनुमान जी अवश्य आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान का कीर्तन हो कथा हो राम नाम हो वहां वहां हनुमान जी आज कलयुग में भी आते हैं। और कृतमस्तकांजलि में अपने दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके हनुमान जी आंखों से प्रेमाश्रु बरसाते हुए भगवान की कथा श्रवण करते हैं, ये प्रमाण है। आपका वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? अरे आपके अंदर प्रेम की दिव्य दृष्टि हो तो आज भी आपको हनुमान जी का दर्शन अवश्य होगा, ये निश्चित है।